हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अनन्या ब्लॉग्स में। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये रेसिपी तो बहुत सारे लोगों ने शेयर कर चुकी है यूट्यूब पे, बाकी आपको भी आता ही होगा, लेकिन फिर मैं सोचा पहले एक होली भी आने वाली तो पहले एक रेसिपी मैं शेयर करती हूँ, फिर डेली ब्लॉग्स भी डालेंगे। फिलहाल अभी के लिए तो यही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चाट मसाला कैच का दिख रहा होगा, ये ना कैच का चाट मसाला, इसको चालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है पैकेट वाले मैदे को, वरना खुले मैदे में आपको चालना ही पड़ेगा। अभी तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, अपने हिसाब से आप ले लो मैदा। उसके बाद फिर हल्का सा नमक डाल लो, सिंपल सा हल्का नमक, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का, कि ज़्यादा नमक फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आप थोड़ा ऑयल ले लो, इसे गड्ढा करके यू ऑयल डाल लो और इसको चेक करिए पहले कि ये कैसा डो बन पा रहा है। मैं बताती हूँ भी कैसा चाहिए होगा इसमें डो। अभी मैं थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि ये बनता रहता है हमारे घर पे, तो अभी थोड़ा सा ही, फिर अभी और बनेगा। अब आप इसको ऐसे करके ना, ऐसे ही हूँ पूरा ना, ऑयल और सारे जो हमने डाले हैं इसमें ज़ीरा नमक सारा ऐसा मिक्स कर लीजिए हल्का हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि ये ना बच्चे को हमारी ये रही कढ़ाई, अब हम गैस ऑन कर लेंगे। पहले कढ़ाई थोड़ी गर्म करनी पड़ेगी हमें, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाने दे। उसके साथ पलटा, ये जो होता है ना हमारा तलने वाला, इसको भी रख दो तो उसका पानी क्या होता है, उसके संग संग ये भी सूख जाता है, अपना इसको पोछो तो दोनों में गैस बराबर से ही लग जाती है। इसके बाद फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल ये रहा मेरा ऑयल, रिफाइंड ऑयल है ये मेरा सोयाबीन का। अब इसको धीमी आंच पे रख देंगे गर्म होने के लिए।
तो दोस्तों चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं और एक शेप देते हैं, इसके बाद फिर इसको हम फ्राई करेंगे। तो पहले इसको हम छोटी छोटी लोइयों में बांट लेते हैं, ऐसी छोटी छोटी सी लोइयों, ऐसी से क्या ना बेलने में फिर आपको आराम रहता है। और इतना सॉफ्ट है ये, उसमें ज़्यादा पानी नहीं लगा है। इसको यूँ राउंड राउंड कर लें हाथ से। ये हमारा मैदे का ही, हम इसको पत्थन बोलते हैं, मैदे को ही लगा लिया थोड़ा सा बेलने के लिए। आपको मैंने एक ऐसा बेल, ये देखा आपने, ये मैंने ऐसे पूरियां टाइप की बेली है, ऐसा इसमें शेप दे देना ऐसा। वैसे क्या ये, और जो ये बेलने के बाद हमारे साइड साइड का जो कॉर्नर बच जाता है ना, तो इसे वापस से रीयूज़ ना करें, इसे जैसे भी जैसे मन वैसे काट दें, क्योंकि फिर ये बहुत खस्ता लगता है, इसको भी वापस से हम लोई बनाएंगे, वापस से फिर बेलेंगे तो ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है, इसलिए फिर हमें ऐसे इसको रीयूज़ कर लेना चाहिए जैसे भी मैंने किया। अभी इसको चलिए फ्राई करते हैं। तो हमारा ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल गर्म है, धुआं निकल रहा है, पर इसको थोड़ा ऑफ कर दो, ठंडा होने देंगे क्योंकि हमें बेलने में ज़्यादा टाइम लग गया है, तो थोड़ा इसको ठंडा हो देते हैं जब से, फिर थोड़ा सा और बेल लेते हैं। चलिए दोस्तों ये देखिए हमारा तेल अब गर्म हो चुका है, इसे ऐसे डाल के हम चेक कर लें तो ये ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं है। अब हम एक करके ये सारा जो हमने बनाया है उसे डाल लेते हैं। ऐसे हमने डाल लिया एक एक, देख रही है कैसे फूल फूल के ऊपर आ रही है। अगर मैं सभी वो अंदर गैप गैप नहीं करते ना इसमें कट कट, तो फिर ये फूल जाती पूड़ी जैसी, तो फिर ये हमारा ये मटरी नहीं बन पाता। तो थोड़ा थोड़ा ये भी फ्राई करेंगे कि तेल ज़्यादा गर्म है, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इसे धीमी आँच पे, तो देखिए आँच ऐसी होनी चाहिए एकदम स्लो फ्लेम पे, इसे हम सिकने देते हैं जब से हम और अभी बेल लेते हैं। जब से ये धीमी आँच पे सिक रहा है, देख रही है बिल्कुल धीमी आँच पे, जब ये सिक जाएगा ना
अगर से हम तेज करके सेकेंगे ये कलर तो इसमें आ जाएगा, लेकिन जो ये अंदर से रहेगा ना, ये अंदर से फिर क्या बोलते हैं, खसखस नहीं होगा, फिर ये मुलायम रह जाएगा। इससे अच्छा तो हम इसे स्लो फ्लेम पे बिल्कुल स्लो स्लो पकाएंगे, तो इससे हमारा ऑयल भी कम लगता है और हमारा ये अच्छे से सिक भी जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखते हैं, ये भी हमें वाइट वाइट दिख रहा है ना, क्योंकि ये अभी गर्म है, जब ये ठंडा होगा ना तो इसका कलर ऐसा हो जाएगा। अभी हमने एक निकाला था ना बिल्कुल वाइट सा कलर, इसका ऐसा हो जाएगा सेम ऐसा कलर। तो अब इसे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं, इसे हमने इसे निकाल लिया। देखिए ना कढ़ाई से निकाला, इसका कलर कैसा हो गया, ऐसा सारा इसका ऑयल निकाल देते हैं। अब इसको हम इसमें रख देते हैं, तो यहाँ देख रहे होंगे इसका कलर उस टाइम पे कैसा था और इस टाइम पे कैसा है। अभी ये ठंडा, इसका कलर और चेंज होगा जब से ये जो बचा हुआ डो है इसे हम और बेल के बना लेते हैं। ये तो फिर अभी हमारा जो ये रखा हुआ है इसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं जब से ये होता रहेगा। तो ये है ना हमारा, इसे हम डाल देते हैं कढ़ाई में। ये बहुत जल्दी बनता है दोस्तों, और ये चाय के साथ, और ये हमारा जो दही पापड़ी होता है नहीं, दही पापड़ी हम खाते हैं या तो फिर हम वो जो दही भल्ले खाते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे क्रश करके डाल के खाने में ना इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। और जो मीठी वाली हम दही बूंदी बनाते हैं ना खाने के लिए, तो उसमें भी अगर हम क्रश करके डालेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। बस ध्यान रखिए कि इसमें नमक ज़्यादा ना हो, ना नमक बिल्कुल हल्का रहे, कि अगर नमक जहाँ ज़्यादा होगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल आपका अजीब सा हो जाएगा, फिर खाने में अच्छा ही नहीं लगेगा। बहुत से लोग नमक तेज़ खा रहे तो उन्हें अच्छा लगेगा, बाकी मेरे साथ तो ये अच्छा नहीं लगता नमक तेज़ नमक। इसको फ्राई होने देते, सबसे हम ये जो बाकी बचा हुआ डो है ना, ये और लास्ट ही है, तो पहले से हम बना लेते हैं। तो ये फ्राई हो रहा है, अब हम सारा फ्राई करने के बाद दिखाते हैं आपको ये कैसा हुआ और कितना बना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो दूसरा बैच था बैच, ये भी हो गया, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसका कलर आप देख रहे हैं, पहले जो हमने ये वाला निकाला था तो इसका कलर सेम ऐसे वाइट वाइट था, और ये देखो अभी कैसा ही हो गया, तो सेम ये भी वैसे हो गया। इसको आप ये बस कि अगर रेड हो जाए तो हम निकालें, वरना ये जला जला लगेगा, तो इसके अलावा नहीं, ऐसा देखो अभी ठंडा सेम कलर इसका सेम मिक्स हो जाएगा। तो फिर ये जो हमने जो बचा हुआ था इसका कॉर्नर, ये जो हमने काट काट के कॉर्नर निकाला था, इसको भी वैसे फ्राई कर लेंगे। ऐसे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी चीज़ भी बन जाती है, क्योंकि टेस्ट तो वही रहेगा, टेस्ट तो चेंज होने वाला है, तो सेफ चेंज हो जाता है। तो इसको हम इकट्ठा ही समझते, ये इकट्ठा ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं था, देखा ना, इसको ऐसे इसको होने देंगे। तब से हमने ये जो बेला है इसका, अब इसका भी हम शेप कट कर लेंगे, तो इसको ही फ्राई करेंगे। ये देखा दोस्तों आपने, इसे मैंने देखिए ऐसे जो लंबे लंबे है ना, ऐसा लंबा लंबा सा काट लिया है, क्योंकि फिर अभी इसको फिर हमने ऐसे जो काजू कतली शेप होता है इसको ऐसे हम शेप दे देंगे ऐसे। देखिए कितना सुंदर लगा देखने में ये, तो इसे हम शेप दे देंगे, इसे हमने शेप दे दिया। अब इसे हम फ्राई करेंगे, ये जो हमारा कढ़ाई में एक साथ डाला इसको टाइम लगता है, क्योंकि ये ना ढेर सारा हमें डाला, ये मोटा मोटा है, तो इसे धीमी आंच पे होने दें, इसे जल्दी जल्दी ना करें। इसके बाद फिर अपनी मम्मी को हम टेस्ट कराएंगे, बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि वो सच बताती है अगर अच्छा हो तो भी, अगर खराब हो तो भी। ओके, इसे अपनी मम्मी को हम टेस्ट कराएंगे और बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये देखिए ये हमारा फ्राई हो गया, इसे भी हम निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर, निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर। हमारा जो बचा हुआ है ये डालिया,
निकाल देते हैं। ये क्या नीड एंड क्लीन, हमारा किचन नीड एंड क्लीन हो गया, एकदम साफ सुथरा किचन हमारा ये हो गया। फिर हमारा ये फ्राई हुआ, ये हमारा लास्ट में थोड़ा बचा तो इसे हम डाल देंगे, बाकी हमारा सारा ये फ्राई हो चुका है। चलिए मम्मी को ये टेस्ट करा के लाते हैं, पूछते हैं कैसा बना। बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारी मेरी कोई भी न्यू वीडियो है तो आपके तक जरूर पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें।